थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे आया हूँ। तो ये मैं मीटअप पे आया हूँ फाइनली भाई, 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ भाई, आना तो पड़ेगा ही, देखना पड़ेगा ना किसका फैन हूँ यार। चलो आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट हम एयरपोर्ट को छोड़ के आ जाते हैं, अभी राजारहाट को क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में, देन लेट्स गो। फाइनली वी कवर चिंगरी आटा मोव, चले वी आर कमिंग। भाई टाइम बढ़ा दिया उसने, जो 2 बजे का मीटअप था उसने 2:30 पे कर दिया अभी, कुछ नहीं चलो होता है, जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे भाई, बहुत देर से साइकिल चला रहे हैं हम। इको पार्टी चले आए फाइनली। हाँ भाई बहुत लोग ही आए हैं अभी तक, तो कम से कम लोग आए, ज़्यादा नहीं बजा, 2:10 हो गए, हाँ 2:10 हो गए, अभी भी थोड़े बहुत ही आए हैं, मैं तो 5 जो कोई देख रहा हूँ, तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। 2:30 का तो टाइम दे रखा है, देखते हैं भैया कब आते हैं। भाई 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ भाई, थोड़ा दिखेगा तो भाई मन को शांति मिलेगा और कुछ नहीं। चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, 2 घंटे से नॉन स्टॉप साइकिलिंग कर रहा हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, भैया आएंगे, भैया अपना इंट्रो देंगे, सब कुछ देंगे, उनका सब कुछ वीडियो होगा, तो चलो। अरे वजदा लेट्स गो, কত দিন 5 বছর ধরে আমি ট্রাই করছি আসবো 5 বছর, হ্যাঁ আমি 5 বছর ধরে ট্রাই করছি, ফাইনালি সাইকেলটা হালকা বিল্ড করলাম, মানে নরমালি বিল্ড করে নিয়ে তারপরে আসলাম। আমি সোদপুর, কল্যাণী দিয়ে বাবা জান বেরিয়ে গেছে ওই ভিড়ে সাইকেল চালাতে। তাহলে ফাইনালি এতদিন পর দেখা হলো তোমার সাথে, একদম ভাই আমি এক্সাইটেড অনেক, লেটস গো ভাই। फाइनली भाई वजद भाई आ चुके हैं, अभी देखते हैं फुल स्टंट और एवरीथिंग, चल लेट्स गो। कोई नहीं बोल पाएगा भाई, कुछ का मोटिव क्या है, चाहते हैं जो लोग बिल्कुल मतलब नीचे से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप आगे बढ़ाने के लिए एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो तो है लेकिन कैसे आज मतलब हम तो साइकिल में मेंटेनेंस होगा वो तो होगा, बट बाइक बूस्ट का मेन मोटिव इसीलिए था, अभी हम लोग 10 से ऊपर हम लोग साइकिल सर्विस करवा चुके हैं, वहाँ पे बहुत 2-3 फ्री सर्विसेज किए, प्रीमियम सर्विसेज विदाउट एनी चार्ज, एंड वो सिर्फ हम लोग उन लोगों के लिए किए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हो, जो लोग का फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारा होता है, क्योंकि अभी अगर मेरा टाइम में भी जाएंगे तो मेरा टाइम पे कोई हमको सपोर्ट हेल्प नहीं करता था, कोई आके हमको बोलता नहीं था भाई आओ साइकिल फ्री में बना दे, कोई नहीं बोलता था। ऑब्वियसली तुम लोग का भी अभी कोई दुकानदार बोला बोलेगा नहीं जो भाई आओ कर दे लोकल शॉप में और ज़्यादा पैसा लेता है, और हम लोग वही एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव ये है कि जो लोग अभी बहुत लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, स्टंट्स करने आते हैं या फिर नॉर्मल राइडिंग करने आते हैं, उनका साइकिल का हालत बहुत ख़राब रहता है, हम जितना कर पाते हैं हम करते हैं, हेल्प कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम पार्ट्स से भी हेल्प करें ताकि बाद में हम लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकें, जैसे कि ब्रांड हमको स्पॉन्सर करता है, हम चाहते हैं कि हम भी एक टाइम में ऐसा ब्रांड बने कि हम सबको स्पॉन्सर कर सके नॉन प्रॉफिट करके, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि ये साइकिलिंग को पहला बात बढ़ाना है, उसके साथ साथ ये जो स्टंट राइडिंग का जो लाइफस्टाइल है ये हमको बढ़ाना है, समझ गए, क्योंकि अभी अगर मम्मी पापा तुम लोगों को तो बोलेगा नहीं जो बड़ा हो के भाई वो बनना है स्टंट राइडर बोलेगा डॉक्टर इंजीनियर डांसर सिंगर और जॉब करो 9 to 5, कोई बोलेगा नहीं स्टंट राइडर बनो, बट स्टंट राइडिंग एक पेशा है, पेशा उन लोग का दिमाग में इट्स अ प्रोफेशन, उन लोग का पैसा क्या कमाएगा भाई, बट पैसा कमाने के लिए कोई चीज़ के लिए काबिल बनना पड़ता है, बिना काबिल कि अगर पैसा कमाने मतलब तो कुछ और काम हो जाता है, समझने वाला इशारा करते हैं, बिना टैलेंट का कमाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को नाम के साथ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जीना है और पसंदीदा चीज़ करके हम लोग को लाइफ जीना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। स्टंट राइडिंग से आई थिंक बहुत जन यहाँ पर प्यार करता है एंड बहुत जन शायद प्यार नहीं करता है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे एक साल पहले का ऑडियंस देखो और अभी देखो कितना जन है, 1 साल पहले कितना जन था, 200 जन स्टंट मीट में आया था एक दो स्टोरी में, अभी देखो कितना कम हो गया है, एक ही एक दो रीजंस है, एक एक होता है फाइनेंशियल रीजंस, एक होता है फैमिली रीजंस, जो
जो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते अपना स्पोर्ट एंड खुद का, और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करता है लोगों के लिए, खुद का चाहत। लोग नहीं, खुद से करना नहीं चाहते कुछ, सब इजीली कमाना चाहते हैं, वो सब इजीली नहीं मिलता है भाई। हम तो जगह पहुँचे इजीली, अगर पहुँच जाते तो सबको ही कर लेता है कि नहीं। तो आज ये बाइक बूस्ट की तरफ से हम फ्री वर्कशॉप रखे हैं। वी विल चूज़ 5 पीपल जिन लोग का हम लोग फ्री में सर्विस करने वाले होंगे, जैसे कि किसी का गियर ख़राब हो सकता है, किसी का ब्रेक ख़राब हो सकता है, किसी का ट्यूनिंग चाहिए होगा, किसी का हेडसेट एडजस्टमेंट होगा। हम लोग सबको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं कि बाइक बूस्ट व्हाट इज़ बाइक बूस्ट केपेबल ऑफ डूइंग। एंड एट द सेम टाइम देर विल बी स्मॉल 5 or 4 कॉम्पिटिशन्स जहाँ पे देर विल बी चैलेंजेस, छोटा मोटा चैलेंजेस होगा, जहाँ पे आप लोग अगर जीतेंगे बाइक बूस्ट की तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, जो कि आप गिफ्ट बाद में ही बोलेंगे मतलब चैलेंजेस होने के बाद। एंड अगर आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होगा, हम लोग प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन लेने के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट्स भी लेके आए इसके अंदर, तो आप लोग प्रोडक्ट देख के, आप लोग अपना हाथ से देख के, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जेन्युइन सामान सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ और फेक आइटम सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग गलत चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो आप लोग आराम से अपने खुद से देख के आप लोग खरीद भी सकते हैं। एंड आज का जैसा कि टीम का बर्थडे भी है, उसी खुशी में हम लोग ऑफर भी देंगे। तो अगर आप लोग कोई अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, अगर आप लोग सिर्फ चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एंड आप लोग कॉम्पिटिशन में पार्ट ऑब्वियसली करेंगे ताकि आप लोग भी जीत सके एंड एक कम्युनिटी का पार्ट हो सके। जो लोग भी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में मतलब चैनल में आप लोग इन्वॉल्व नहीं है, हम सबको लिंक दे देंगे, सब कोई ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे कम्युनिटी और भी बढ़ाना। जो लोग साइकिलिंग में सच में साइकिलिंग या स्टंट राइडिंग लाइफ में करना चाहता हो, ऐसा नहीं कि फिर एक साल बाद देखेंगे 10 जन हो गया इधर से, अरे 20 जन है देखेंगे फिर 10 जन हो, ऐसा नहीं चाहते। ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहते तुम लोग कोई सबको 9 to 5 जॉब करो। 9 to 5 जॉब हम भी एक बार किए, हमको पता है कैसा घिसा पिटा लाइफ होता है। आई डोंट वॉन्ट लिव लाइक दैट एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू लिव लाइक दैट। आई वॉन्ट यू गाइज टू इन्जॉय योर लाइफ एंड लिव लाइक अ लेजेंड। हम तो बुड्ढा हो रहे भाई, सच में भाई हम तो बुड्ढा हो रहे। मेरा तो भी अभी सिर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा प्रैक्टिस नहीं होता है, आई हैव टू कंटिन्यू सपोर्टिंग माई फैमिली, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेरा फैमिली मेरे ऊपर निर्भर है, तुम लोग के ऊपर भी सब कुछ आएगा सबके टाइम के साथ। तो अपने आप को अभी से ही बनाना चालू कर दो ताकि अपना लाइफ में आप लोग जो चीज़ से खुश हो वो चीज़ करके आप लोग आगे जाओ, अदरवाइज इट्स यूजलेस लिविंग लाइफ। कहाँ 200 जन कभी कहाँ आप यहाँ पे, ख़राब भी लगता है बट अभी कुछ कर नहीं सकते। इंडिया का हालत ऐसा ही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबॉडी जो एक्सट्रीम स्पोर्ट पे कुछ कर सके, सिर्फ सिंगिंग डांसिंग गाड़ी हिलाना ही चलता है इंडिया में। सो आर यू गाइस एक्साइटेड, जितना जन भी है? यस यस जोर से यस। ये हुआ बात, तो चलो अभी सबको एक रिफ्रेश किया जाए रेड बुल के साथ। जो लोग कितना सर 16 ईयर्स 16 से नीचे लाइन लगा दो पहले, सामने सामने दो बार ले चुका है, तीसरा बार हो जाएगा। नो प्रॉब्लम किसका क्या क्या साइकिल है, उसका क्या क्या फीचर है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब हम लोग एक एक टाइप ऑफ सर्विस फॉर पीपल है कि नहीं एड्रिन। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है यार। लिखा है घर वाली बाहर हो रहा, बाहर तो अभी आप लोग बोलिए कि आप लोग का साइकिल में क्या क्या खराब है। सबसे पहले ब्रेक खराब हुए,
जिसका ब्रेक खराब है हाथ उठाओ, कौन सा बैल देखिए उसको हो जाएगा से बेटर नहीं पड़ेगा कुछ था मत ए বললাম তো বুড়ছে তো আমারটা একটু আমার সেকেন্ডটা উঠছে ও মুশকিল पांपा के भाई ले स्टार्ट द वीडियो गाइस ओ लेखन तो गाइस बोलो रात भाई इधर पे देख ही सकते हैं ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बोल रहे तो है छोटा यूट्यूबर बड़ा हुआ है हां आवाज ही तो भाई का ले लिया कितने में ले लिया एक अरे हेलमेट तो नहीं बिना এনে ম্যানুয়াল টা ট্রাই করো ছো বল লেটস ট্রাই ম্যানুয়াল জো হামারে ওয়াহা নেহি কর পাতে হাম লোগ লেটস ট্রাই ইট গাইস উঠে বলছে বল Let's go guys, start the practice section. Choto moto, stop, be. Gear ta set korte hobe, halkar upore, karon amar gear ekta problem ache. Let's go. To wheelie try kora jak. আচ্ছা সিটে হালকা নাইস নাইস ওয়ান ভাই সবাই একটা লেজেন্ডারি লেজেন্ডারি ভাই লেটস গো খুদ কা ভি প্র্যাকটিস থোড়া বহুত করতে হ্যাঁ ক্যুকি ইসলিয়ে আয়ে হ্যাঁ আর মিট আপ কো ভি জয়েন করনে কে লিয়ে ভেসে আয়ে বহুত দোস্ত মিলে ইয়াহ নয়ে নয়ে ब्रेक लग जाना भाई फ्लेक्स कोच है भाई हल्का नाइस हाँ वाज ऑफ द साइकिल टिक कर मेरे গার্ড লাগিয়েছিলাম ওটা যাতে ইয়ে ম্যানুয়ালটা ঠিক আছে আছে এক্সট্রা সিন্না নামালে হবে না আমার ট্রাই করি কর নামি না সাইড টুক করে দিয়েছিল ভাই
लेट्स गो। भाई आपके सर पे ये सीन क्यों लगाया? क्योंकि हम थोड़े शैतान हैं। अच्छा, मतलब अपना वो वाला रूप दिखाना चाहते हैं। हाँ। क्यों लो? एक नंबर है बेटा। हाँ। ठीक है तो आज। एक नंबर ही थी थी थी। अच्छा तुल भी? हाँ। तुल? ठीक है दो नंबर कोड़ा था। हाँ चल। अरे पैसा ना हो ले मैं चूज़ दे वाला। पैसा तो 25 ना था ये तो बुझ दे वाला। भाई चश्मा विशाल असुविधा कर अगेन भाई लो सीट है उठ। अरे कृष्णा दा लेट्स गो। बहुत जन ही आए भाई। কৃষ্ণা দাদা সাইকেলটা নিল। হ্যাঁ তার কি বলছে? দেখে ফেলেছে। আরে আমি হচ্ছি কি অয়োধ্যা বলবে আমি আমি তাই ভাবছি আমি আমি কেন সময় করিনি তো ব্যাংক ট্যাংক ভাই আমিও ট্রাই করতে যাই একবার। এটা মুর্শিদের সাইকেল না? আমারটা নিয়ে আসতে ভাব দিলাম। ও গরম লাগছে ভাই লিটারেলি। হ্যাঁ সিটটা বেঁকে গেছে ঠিক কর। Let's go. Let's try it. Sujodha cycle for Raha. Hi. হবে না ভাই এই সাইকেল আমার দাল করবে না। না আমি বলিনি কিন্তু গিয়ে বল। ট্রাই করে গিয়ে ম্যাম ভাই ইধর সাইকেল সব চলা রে ভাই আপনা আপনা পপ আপটা কি করো ম্যানুয়ালটা পপ আপ করতে পারছি না
আরে ইয়ার দেখ লাগছে না দিদি জোড় Let's go, bro. Hey, bhai, dikha. Paad diya. Sab paad diya.